exactly. जीवन देणाऱ्या अशा शारदा बस सगळे जण उभे राहा, सगळे जण उभे राहा, सगळे उभे राहा, एवरीवन,
बताएं आज के इस प्रोग्राम के बारे में, इस शो के बारे में? ये आपको बताना चाहिए। अच्छा ठीक, प्लीज यू मस्ट, हम मिलके बताएंगे दोनों। चलो यस, मैं बस यहाँ पे इनको सपोर्ट करने आई हूँ। आई जस्ट फील देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अवेयरनेस के जो लोगों को होना चाहिए हमारे यू नो बेटर केयर एंड सपोर्ट फॉर द एल्डरली के बारे में। एंड ये हेल्पेज इंडिया जो है बहुत ही सेल्फलेस काम करते हैं इस कॉज के लिए, एंड दे कीप कंडक्टिंग दीज प्रोग्राम्स टू ब्रिंग अबाउट एन अवेयरनेस इन यू नो विद इन द यूथ एंड फॉर द पीपल एवरीवेयर। एंड आई थिंक बेसिक मैसेज ये है कि यू नो आर एल्डरली पीपल नीड टू बी ट्रीटेड बेटर विद रिस्पेक्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिन है और दिस डे इज टू बी सेलिब्रेटेड। वी आर प्रमोटिंग द प्रोडक्टिव एंड हेल्दी एजिंग एंड एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो टेलिंग द सोसाइटी दैट वी मस्ट लव एंड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स एंड टुवर्ड्स दिस वी हैव कंडक्टेड दिस प्रोग्राम टुडे ऑन बिहाफ ऑफ हेल्पेज इंडिया एंड इट इज अवर यू नो फॉर्चून दैट वी हैव शमिता विद अस हु इज ऑलवेज बीन सपोर्टिंग टू द कॉज ऑफ एल्डरली। क्योंकि आज भले हम 21वीं सदी में है लेकिन इसके बावजूद भी बुजुर्गों की तरफ देखने का हमारा नज़रिया बदलता जा रहा है। yes. आज भी हम कहते हैं कि बुजुर्ग अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, लेकिन नहीं, बहुत सारी ज़िंदगी अभी बची है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन बुज़ुर्गों के पास एक बहुत बड़ा खजाना है और वो खजाना है उनके नॉलेज और एक्सपीरियंस का। सो वाई शुड नॉट वी मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ दिस देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू द सोसाइटी। एंड टुवर्ड्स दैट टुडे वी ऑर्गेनाइज दिस इंटर जनरेशनल वॉकाथॉन वेयर वी हैव दिस टू जनरेशन टुगेदर। We have senior citizen, we have the school and college children also. और इसके साथ ही corporates के young employees भी है। तो इन दोनों पीढ़ियों को एक साथ लाने का उद्देश्य यही है ताकि दोनों के बीच की जो दूरियाँ बढ़ती जा रही है वो कहीं ना कहीं तो भी कम करने की कोशिश है। वी वॉन्ट टू रिस्टोर दैट इंटर जनरेशनल बॉन्ड और शमिता का इसमें योगदान इसीलिए बड़ा है क्योंकि शमिता हमेशा हेल्पेज इंडिया के प्रोग्राम में आती रही है और बुजुर्गों के कॉज के लिए उन्होंने खुलकर आवाज़ दी है। उन्होंने मेनली इन युवाओं में ये बात कही है कि उन्होंने अपने माता पिता या दादा दादी के प्यार मोहब्बत और उनके एहसान को भूलना नहीं चाहिए। और यही बात शमिता हमेशा कहती है कि उन्होंने अपने सभी सीनियर सिटीजन का प्यार और सम्मान करना चाहिए। एब्सोल्युटली, आई फील दैट वी आर हु वी आर बिकॉज ऑफ द लव एंड ब्लेसिंग्स ऑफ आवर पेरेंट्स। देव सैक्रिफाइस्ड अ लॉट फॉर अस, बट जब हमारी बारी आती है यू नो टू टेक केयर ऑफ देम, आई थिंक वी समवेयर फॉल्टर। पता नहीं, आई थिंक विद चेंजिंग टाइम्स वी आर फॉरगेटिंग आर ओन वैल्यूज़, आर कल्चर, बिकॉज आई थिंक हमारे कल्चर में हमको सिखाया जाता है कि यू नो रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, टेक केयर ऑफ देम, बट हम इतने सेल्फिश हो गए हैं। वी ऑल लीड सच बिजी लाइव्स दैट वी डोंट गिव देम इनफ लव एंड अटेंशन दैट दे राइटफुली डिजर्व एट दिस एज। सो आई थिंक इट्स जस्ट अ बेसिक मैसेज जो हमारे सोसाइटी को देना है कि If you're doing this, it is wrong. You have to stop and understand that they're not going to be here for very long. It's your time to give them something back and do it because that is the right thing to do. And at the same time, also the younger generation should not forget that one fine day they are also going to be old. Absolutely. That is very important. Or it makes a difference. See, when as an NGO we speak, okay. But when Shamita, as a representative of Bollywood, when she speaks, it makes a lot of difference. क्योंकि इनकी बातों का असर लोगों में होता है। और शमिता, रियली आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू फॉर स्प्रेडिंग दिस अवेयरनेस, स्प्रेडिंग द मैसेज, दैट इज़ रियली ग्रेट। यू नो हम कहीं ना कहीं तो भी दूर होते जा रहे हैं, हम अपने लोगों से दूर होते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है उसे हम भूलते जा रहे हैं। और यहाँ तक हम ये कहते हैं कि अपने बुजुर्ग या संस्कृति के धरोहर है, यही तो लोग हैं जो हमें पढ़ाते हैं, बताते हैं हमारी संस्कृति क्या है। When we talk about this religion, culture, everything that is passed on from generation to generation through our parents and the grandparents. So that is very important. And that is what this today's 1st October is not only in India but all over the world. It is celebrated as an International Day of Older Person. It is a day to celebrate of age. बुजुर्ग होना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। वी हैव टू सेलिब्रेट दिस एज एंड वी हैव टू से डंकी की चोट पे, यस आई एम अ सीनियर सिटीजन, आई एम अ सिल्वर यंग, दैट इज व्हाट पीपल से एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू पोर्ट्रे दिस। इवन सम ऑफ द सीनियर सिटीजन, उनके दिमाग में भी ये बात कई बार होती है कि अभी सब कुछ खत्म हो गया, ओके वी आर ओल्ड, बट वी से व्हेन यू से खत्म हो गया, नो इट इज अ बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। ये सेकंड इनिंग आपकी नहीं है, विच यू कैन हैव अ वेरी प्रोडक्टिव एंड वेरी यूजफुल एंड यू कैन डू अ लॉट टू द कम्युनिटी एंड दैट इज वाई टुडे वी हैव विथ अस शमिता, वी हैव विथ अ सीनियर सिटीजन, वी हैव विथ अ स्कूल कॉलेज स्टूडेंट, वी हैव विथ अस कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज, वी हैव विथ अस अ पुलिस, वी हैव विथ अस महाराष्ट्र गवर्नमेंट, वी हैव एवरीबडी विथ अस।
टोटल टुगेदर वी आर क्रिएटिंग दिस अवेयरनेस एंड मेकिंग द डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ दिस सीनियर सिटीजन. सो समिता, डेटिंग्स के आज आजकल शिल्पा शो लेके आई है फेयर में लवली, तो क्या डेटिंग के रूल्स सिखा रही हैं किड्स के लिए? ये क्या हम लोग बात कर रहे हैं, क्या आप बोल रहे हैं इसके बारे में? आई डोंट थिंक ये सही प्लेटफॉर्म है इसके बारे में बात करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. बुजुर्गों की बात हो रही है तो अपने इंडस्ट्री में बहुत ही सीनियर एक्टर नाना पाटेकर पे तनुश्री ने आवाज़ भी उठाई है, तो क्या कुछ कहना आपका उसके बारे में? I don't think I really want to comment on that right now, but I will just say maybe my heart just goes out to Tanushree. That's all I'll say. Yeah. साथ ही साथ राजकुमार जी की कृष्णा राजकुमार का डेथ भी हो गया उनकी क्लासेस में. क्या कुछ कहना है उसके? Well, it's very sad and my condolences to the entire family. May her soul rest in peace. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Samita ji.